हेलो दोस्तों, वेलकम, सुस्वागतम और इस्तकबाल है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मगध रोलिंग में। तो आज हम आ चुके हैं ऐसे जगह जहां का बेसब्री से इंतज़ार था इस चीज़ के शुभारंभ का। तो होली के शुभ अवसर पर 2021 में आखिरकार इसकी शुरुआत हो चुकी। दरअसल ये विश्व शांति स्तूप के निर्माण के 50वें वर्षगांठ के पूरा होने के उपलक्ष्य में योजना का शुभारम्भ होने का तारीख तय किया गया था, जो कि अपने निर्धारित समय से 2 साल देर हो गया। वैसे विश्व शांति स्तूप 1969 में निर्माण का कार्य इसका पूरा हुआ था और 2019 में इसका 50वां वर्षगांठ था। तो ये 2019 में ना स्टार्ट होकर 2021 में स्टार्ट हुआ 8 सीटर कैबिन कार रोपवे। तो अभी टाइम हो रहा है 1:45 और अभी लंच आवर चल रहा है। अभी फिलहाल काउंटर क्लोज है, ये मेरे पीछे काउंटर है। थोड़ी देर में यानी कि 15 मिनट के बाद 2 बजे ये ओपन हो जाएगा, तब तक इंतज़ार करते हैं, चलते हैं। आपको इसमें और भी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड किया गया है इस रोपवे में, 8 सीटर कैबिन कार के रोपवे में कुछ और फैसिलिटीज़ को ऐड किया गया, जिसमें पीछे वेटिंग रूम है, टॉयलेट्स वगैरह सारा कुछ उसमें इंक्लूड है पैसेंजर्स के लिए, पर्यटक के लिए। तो आइए आपको दिखाते हैं वो। ये है वेटिंग हॉल, जो पर्यटक बाहर से आएंगे उनके लिए वेटिंग हॉल का इंतजाम किया गया है। तो ये है वेटिंग हॉल, इसमें पर्यटक के लिए बैठने का इंतजाम किया गया है। इसमें फर्स्ट एड रूम को भी ऐड किया गया और साथ ही साथ 2 टॉयलेट, एक जेंट्स और एक लेडीज के लिए। और ये फर्स्ट एड रूम है जो कि प्राथमिक उपचार दिया जाएगा कि जरूरत के अनुसार। तो इंतजार करते हैं 15 मिनट, उसके बाद चलते हैं रोपवे पे। Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition. Only first place and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave. Eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched me elevate. फाइनली हम लोग 8 सीटर कैबिन कार के अंदर आ चुके हैं, जो कि ये ऊपर जाती है विश्व शांति स्तूप के पास। और विश्व शांति स्तूप मैंने पहले ही बता रखा गृदकुट पर्वत के ऊपर है और काफी अच्छी फीलिंग आ रही है। अगर पर्यटक आते हैं यहाँ तो इतनी ऊंची हाइट से उन्हें एक बेहद ही खूबसूरत नजारा दिखेगा वादियों का। तो कुछ ऐसा सीन दिखता है यहाँ से, हालांकि सब कुछ वो सिंगल वाला है। 8 लोगों की कैपेसिटी वाला है ये केबिन कार रोपवे, 8 लोग एक साथ बैठ कर जा सकते हैं इस केबिन कार से। अभी भी 6 लोग बैठे हुए हैं। कौन से करना वीडियो को? तो हालांकि सब कुछ अच्छा है इस रोपवे का जो न्यू बना है 8 सीटर केबिन कार का, बस इसमें एक डिमेरिट है जो कि गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा ये पैक हो जाता है, तो गर्मी ज़्यादा होता है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है। हालांकि सर्दी के मौसम में वैसा कोई खास प्रॉब्लम होगा नहीं इसमें, तो बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें। हालांकि सिंगल सीटर जो रोपवे था वो अभी भी चल रहा है। सिंगल सीटर रोपवे देख सकते हैं आप मेरे पीछे जस्ट बगल में, लेफ्ट साइड में ये न्यू वाला स्टार्ट हुआ है और राइट साइड में ओल्ड रोपवे है जो सिंगल सीटर था। और
तो बेहद ही एडवेंचरस है और बिहार के लोगों के साथ साथ तमाम पर्यटकों को इस चीज का बेसब्री से इंतजार था। और इसमें एक थोड़ा सेफ्टी ये लगता है, जैसे पुराना वाला जो रोपवे था वो बिल्कुल ओपन टाइप का लगता था, तो जो लोग को माउंटेन सिकनेस था ये लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होता था। तो ये पैक है, फुल्ली पैक्ड है, आप देख सकते हैं इसमें ये गेट, ये जो गेट है ये मेट्रो की तरह लग जाता है, जब पैसेंजर्स बैठ जाते हैं और ये लिफ्ट स्टार्ट होती है अपने प्लेटफॉर्म से तो इसका गेट लग जाता है। तो आइए बात करते हैं इस रोपे में जा रहे कुछ पर्यटकों से कि कैसा फीलिंग आ रहा है। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है इस नए रोपे में आकर? बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसे राजगीर घूमने आए या सिर्फ इस रोपे में? नहीं, ऑल ओवर राजगीर घूमने आए। और आप? बिल्कुल सेम, पूरा राजगीर घूमने आए। ओके, ज्योग्राफी एक्सपर्ट है, टीचर है, स्टूडेंट है। आप इनसे पूछना तो नहीं पड़ेगा, ऐसे बता दीजिए। तो अब आ ही गया है अगर रोपवे से ऊपर गृद्धकूट पर्वत पे, तो एक बार फिर से विश्व शांति स्तूप का दर्शन कर लेते हैं। तो चलिए, getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition, only first place and that's how I'm living. I'm winning till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched the other face. All in when I show up, whole place about to blow up, superior to that competition, I'm in first place, so that's how I'm living. I'm winning till they digging up my grave, eating all the things up on my plate, game face when I... तो ये है टिकट काउंटर ऊपर का। अगर आप बाय द वे टिकट, बाय द वे अगर आप नीचे से आते हैं और आप रोपवे से नहीं आकर आप सीढ़ियों के सहारे आते हैं या सीढ़ी के थ्रू आते हैं और आपका जाने का मन हो रोपवे से, तो आप यहां से टिकट ले सकते हैं न्यू रोपवे का, जो एट सीटर केबिन कार है वहां का। अगर आपको टिकट लेना है तो आप यहां से टिकट रिसीव कर सकते हैं। Getting hype when I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition, only first place, yeah, that's how I'm living. I'm winning till they digging up my grave, eating all the things up on my plate. Game face when I step up in the place. I was born and when I watched the other face.
अभी हम लोग गए थे लिफ्ट से आए नीचे से और हम लोग गए विश्व शांति स्तूप का दर्शन करने और वहाँ से आने के बाद वैसे पहले तो गए ही थे तो सोचे कि जब आ ही गए हैं तो एक बार फिर से दर्शन कर लिया जाए। तो एक बार फिर से अभी हम लोग रेतगुड़ पर्वत पे गए और उसके बाद हम दोबारा लिफ्ट पे बैठ गए हैं। ये वही वाला लिफ्ट है, एक सीटर वाला, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए जस्ट बगल में, अगर आपको दिख रहा हो पीछे मेरे, क्या आपको मेरे पीछे दिख रहा है लिफ्ट? हाँ बिल्कुल दिख रहा है, वो सिंगल सीटर जो लिफ्ट आपको दिख रहा है मेरे जस्ट पीछे में, वो पुराना वाला। तो मैं गया बात करने, मैं टिकट तो ले रखा था, तो दरअसल कोई पर्यटक थे ही नहीं ऊपर में वो सिंगल सीटर के पास। अभी न्यू ये इनॉग्रेट हुआ ना, ये कल ही, दरअसल मैं बता दूं आपको डेट, तो कल डेट था 26 मार्च और कल ही हमारे बिहार के सीएम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आए थे इसका इनॉग्रेशन के लिए। तो उन्होंने इस एक सीटर रोपवे का इनॉग्रेशन किया और उसके बाद नेचर सफारी और ग्लास ब्रिज का इनॉग्रेशन किया। तो ग्लास ब्रिज फिर कभी जाएंगे और ग्लास ब्रिज को एक्सप्लोर करेंगे। तो आज तो बस मैं आ गया था रोपवे को ही एक्सप्लोर करने, तो आज रोपवे को एक्सप्लोर करा हम लोगों ने, रोपवे के बारे में जाना। और हाँ आइए आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये देखिए रोपवे पे अगर आप आएंगे तो यहाँ ऊपर साफ लिखा हुआ है चार्ज लोड 8% और 640 kg। और ये देखिए ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर दिया हुआ है, ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर साफ साफ दिया है 2019। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि विश्व शांति स्तूप के 50वें वर्ष निर्माण के पूरा होने के उपलक्ष्य में ही इस एक सीटर रोपवे का उद्घाटन करने का तिथि निर्धारित था, जो कि लेट हो गया। खैर कोई बात नहीं, लेट हुआ। तो वर्ष 2021 में होली के पावन अवसर पर, शुभ अवसर पर बिहार को क्या पूरे विश्व को और भारत के पर्यटकों के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और बढ़िया सौगात बिहार सरकार के तरफ से एक सीटर रोपवे के रूप में मिल गया है। तो आप जरूर आइए और इसका आनंद उठाइए, बेहद ही रोमांचकारी है ये एक सीटर। मैं एक बात और बता दूं आपको, ये जो पुराना वाला रोपवे है, यानी कि सिंगल सीटर रोपवे आकाशीय रज्जू मार्ग जो सिंगल सीटर वाला है, वो हिंदुस्तान का पहला रोपवे है जिसका कि निर्माण मैंने बताया था जापान के गवर्नमेंट के सहयोग के द्वारा ईयर 1969 में करवाया गया था। और उसके बाद तो कई रोपवे बन गए। वैसे बिहार में और भी परियोजनाएं हैं इस रोपवे के, तो आने वाले विगत कुछ दिनों या कुछ महीनों या कुछ वर्षों के अंदर बिहार में जो प्रोजेक्ट है रोपवे का, तो 8 और रोपवे का उद्घाटन होने वाला है, परिचालन होने वाला है, कुछ और रोपवे ऐड होने बाकी है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा। और हाँ, इतना मेहनत करता हूँ तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑल प्रेस कर दीजिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। When I aim up, elevating that game up, stepping up to the competition, only first place, and that's how I'm living. I'm with it till they digging up my grave, eating all the things up on my plate, game face.